हे यू गाइस, वेलकम. दिस इज टॉयज इन इंडिया. टॉयज इन इंडिया में मैं सौम्या आप सभी का स्वागत करती हूँ. एंड आज मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ और कुछ रिपीटेबल रीयूजेबल एक्टिविटीज़ आप लोगों के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ. फॉर 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज यू कैन सी हाउ माई हैंड्स आर. एंड यस, लेट अस स्टार्ट करते हैं फन विद कलर्स एक्टिविटी से. ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए, इनफैक्ट 2 साल के बच्चों के लिए भी बहुत ही अप्रोप्रिएट सी है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सबसे पहले मैंने अपना एप्रन डाल लिया है. ये एप्रन मुझे इस एक्टिविटी के साथ में आया है. एंड यस, द एक्टिविटी का नाम है फन विद कलर्स. एंड इस तरीके का एक मैनुअल आपको मिल जाता है. मैनुअल में आपको कुछ कलरिंग शीट्स मिल जाती हैं. कलरिंग शीट्स आप देख सकते हो, मैंने अभी कुछ कलर्स करके रखे हैं. और भी कई सारी कलरिंग शीट्स हैं जिसमें क्लियरली नाम ही दिए हुए हैं. यू कैन सी इस तरीके से कलर्स के नाम दिए हुए हैं, वही कलर्स फिल करने होते हैं. साथ में आपको मिल जाता है एक रोलर, जिसको फिलहाल मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ. तो ये ग्रीन कलर का रोलर अभी बन चुका है. एंड देन मैसी मैट एक मिल जाती है आपको इस तरीके से. और मिल जाता है आपको एक एप्रन मिलता है, कलर बॉक्स मिलता है पूरा एक, और लेस मिलते हैं और हुक्स मिलते हैं. तो इस एक्टिविटी को कैसे करना होता है, मैं जैसे रेड कलर पिक करती हूँ, रेड कलर का एक शीट लेती हूँ. इस रेड कलर की शीट को मैं यहाँ पर रख देती हूँ मैसी मैट में, और फिर मैं जो रेड कलर है उसे मैं पोर कर लेती हूँ बाहर इस तरीके से. तो 2 साल के बच्चों के लिए रोलर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज उन्हें पेन पेंसिल की ऐसे पकड़नी होगी. बट देन दीज रोलर्स आर रियली गुड फॉर देम, क्योंकि वो इजीली इससे पेंट कर पाएंगे. जैसे मैंने अभी रेड कलर करना शुरू किया, मेरे को इसको एक्चुअली वॉश करना था. बट देन इट्स ओके, मैं आपको मिस करके दिखा रही हूँ. इसको वॉश करके मुझे इधर रेड कलर लगाना था. बट यस, इस तरीके से वो पूरा एक रोलर से पेंट कर लेंगे एक ऑब्जेक्ट को. और यस, जैसे मैं आपको अगर करके दिखा दूँ, तो जैसे मैं इसको रेड पेंट कर रही हूँ. फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, रोलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. रोलर्स मैंने गेट नहीं किए इसलिए आई एम मूविंग ऑन टू दिस फिंगर्स. और गंदे होने का चांस नहीं है, बिकॉज एप्रन भी मिला है एंड मैसी मैट भी आपको मिलता है इसके साथ में. फिर इसके हम सूखने का इंतजार करेंगे. सूखने के बाद हम इसके कटआउट्स की तरीके से, ये दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर लूंगी. इस कटआउट को मैंने रिमूव कर लिया. यू कैन सी इस तरीके का एप्पल. ऑल्सो इसके साथ में ही आपको ना पंचिंग होल्स भी दिखेंगे हर ऑब्जेक्ट में. मैंने पंचिंग होल्स को एक बारी और हटा लिया है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से. अब इस पंचिंग होल का काम क्या रहता है, आपको ऐसे ही बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे जो कलर शीट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स थी उनको कलर करना है. कलर करके, जैसे सपोज मैंने ये स्ट्रॉबेरी रखी हुई है ना यहाँ पे, इसमें डाली हुई, तो इसको मेरे को ना क्या करना है, इस लेस में ना, ये सूखने के बाद, नॉट इमीडिएटली, इस तरीके से मुझे इस लेस में ऐसे इंसर्ट करके लगाना होगा. तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे इधर आपको टेडी दिख जाएगा, वाटरमेलन दिख जाएगा, इधर आपको एक बर्ड दिख जाएगी. बर्ड को जैसे मैं रिमूव करती हूँ इधर से, और इसको पंचिंग होल से बाहर निकालती हूँ. ऐसे करके बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप इस लेस में हैंग कर सकते हो. तो ये सारा कुछ आपके बच्चे के द्वारा बनाया गया हुआ होगा. तो इस तरीके का एक बहुत ब्यूटीफुल सा तोरण क्रिएट हो जाता है, जिसको आप अपने घर के दरवाजे पे, अपने बच्चों के रूम के दरवाजे पर लगा सकते हो. उसके लिए आपको ना हुक्स भी मिलती है, तो इजीली ये
होल्ड भी कर सकते हैं। और ये हुक्स ना डबल साइडेड टेप के साथ आती हैं, तो बस आपको पेस्ट करना होता है इनको, इस टेप को रिमूव करके स्टेप की साइड को। तो ये एक एक्टिविटी आपको मिल जाती है, ये एक्टिविटी का नाम है फन विद कलर्स। और ये एक्टिविटी ना आपको वेबसाइट पर डायरेक्टली भी मिल जाएगी, आपको कॉम्बोज में भी मिल जाएगी। एंड फॉर द वेबसाइट यू हैव टू लाइक गो विजिट www.smartartist.com। एंड यस, उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में ही, तो आई हैव ऑल्सो गॉट वन, इफ आई नॉट श्योर बट यस, एक फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी आ जाती है, आई फील एंड एक फिंगर पेंटिंग जो एक्टिविटी आ जाती है उसमें आपको एक एक्टिविटी बुक मिलती है जिसमें फिंगर स्टोरी पेंट एक होती है एंड कलर सेट आपको मिलता है और एक मेसी मैट मिलती है। और आपको ना इस तरीके से फिंगर पेंटिंग बुक एक्टिविटी बुक मिलती है एंड यू हैव टू जस्ट स्टिक ऑल दोज एक्टिविटीज एंड देम। उसके साथ में आपको अदर एक्टिविटी आइडियाज़ भी मिलते हैं। अदर एक्टिविटी आइडियाज़ में क्या होता है कि यस, थ्रू फिंगर्स आपका बच्चा फिंगर्स के थ्रू पेंट करता है, फिंगर्स स्टैम्प करता है, तो से आई हैव गॉट दिस फिंगर आंटी, पिंकी फिंगर, एंड इस तरीके से ये फिंगर पे आप उसके स्प्रेड कर दीजिए पेंट। एंड ऑन एनी वाइट शीट ऑल्सो एंड ऑन द स्टोरी बुक एज वेल, आपको बस ये जैसे वाइट शीट मैंने ली, इस पर मैं स्टैम्प करते जाऊँगी फिंगर्स और एक फ्लावर क्रिएट कर दूँगी। तो इफ लेट मी सी, मैं फ्लावर क्रिएट करके लिखती हूँ, बट डेडिकेटेड आपको एक फिंगरप्रिंट स्टोरी बुक भी मिलती ही है जो मैंने कई बार आपको दिखाई है। दिस टाइम अदर एक्टिविटी आइडियाज से मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो यस, इस तरीके का फ्लावर क्रिएट हो जाता है। तो एक फिंगरप्रिंट स्टोरी बुक हो गया जिसमें आपको स्टोरी बुक मिलती है, एक मेसी मैट मिलती है और कलर्स भी मिलते हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी जो आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड है बट मे बी उसमें बस पेंट नहीं है, तो दिस इज आर एक्टिविटी कॉल्ड बैनर मेकिंग एक्टिविटी। इस तरीके का एक्टिविटी आता है इन बैनर मेकिंग, ये भी एक रिपीटेबल एक्टिविटी है और ये कलर्स नहीं है बस इसमें, बाकी ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है। तो इसमें भी बैनर बनाते हैं, तोरण टाइप का ही बनाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा सामान मिल जाता है, इसमें आपको ये कटआउट्स मिल जाते हैं, इसमें आपको कुछ इस तरीके के ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको फेविकॉल मिल जाता है, आपको लेस मिल जाती है, आपको हुक्स मिल जाती हैं। और करना क्या होता है, आपको ये जो एनिमल्स मिलते हैं इस तरीके के, आप देख सकते हैं आपको ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स के एनिमल्स मिलते हैं और इनकी आईज भी मिलती हैं। तो आईज आपको पेस्ट करनी होती हैं ऐसे लगा के, इसे आई मैं फेविकॉल के थ्रू पेस्ट कर दूंगी एंड इसी को इस पे स्टिक कर देते हैं इस तरीके से अलग अलग। और लेस हम यहाँ से निकाल के, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यारी सी एक बैनर मेकिंग एक्टिविटी है। किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दीज क्रिएशंस। और आप चाहो तो दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार में उनके द्वारा बनाए गए तोरण लगा सकते हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट। और ये आपको सारी एक्टिविटीज स्मार्टोपिक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी, और नहीं तो आपको बस इस नंबर पर मैसेज करना होगा 8799576722। तो बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट कलेक्शन है लाइक प्रिंटर बैग, ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आपको दिख जाएगी। और यस, इसके साथ में नेक्स्ट मैं इसे पहले फोल्ड कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ सारा सामान को, तो मैंने जो कलर किए थे शीट्स वो मैंने इधर निकाल के रखती हूँ। और मेरे पास कौन कौन से गेम हैं, तो मेरे पास और छोटे बच्चों के लिए जो गेम्स हैं वो हैं इस तरीके की, पेट एनिमल्स पजल्स, पेट एनिमल्स की पजल मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी वाइल्ड एनिमल्स की पजल्स, देन आपको मिल जाएगी बटरफ्लाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, एंड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, ये फ्लावर्स। तो फ्लावर्स और बटरफ्लाई से हटाते हुए मैं वाइल्ड एनिमल से शुरू करती हूँ। इन पजल्स की खासियत क्या है, ये आपको 6, 8, 10, 12 पीस पजल्स होती है, तो ज़्यादा पीस वाली पजल्स होती है तो बड़े बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। एंड इसमें आपको इस बॉक्स में ये वाले सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे आपको डियर मिल जाएगा, आपको
कंगारू मिल जाएगा आपको, टाइगर मिल जाएगा आपको, बेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पजल्स मिल जाती हैं। ये 6, 8, 10, 12 पीस वाली पजल है। तो जो टाइगर है दैट इज क्लियरली अ 6 पीस पजल हियर। इसमें 12 पीस पजल्स है और आपको जहाँ देख के बनानी है तो ये आपको दिया रहता है। आपको टाइगर है इसमें, कंगारू है, डियर है और बेयर है। बेयर आपको 12 पीस पजल्स में मिलता है। तो मैं एक बारी बेयर को ट्राई करती हूँ। वेरी एंगेजिंग पजल सेट, बहुत रियलिस्टिक सी पिक्चर्स है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया थ्रू द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑल्सो मैं कर सकती हूँ, और इफ योर चाइल्ड इज एक्टिव इनफ तो वो बिना किसी हेल्प के भी कर सकता है। तो इस तरीके से आई डू आइडियली आई शुड बी गोइंग लुकिंग एट द पिक्चर। तो मुझे ये फेस मिल गया, फेस के बाद मुझे ये मिल गया, फिर बाद में मुझे हाथ मिला है विच कंप्लीटिंग दिस पजल राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू शो यू हाउ ईजी इट इज। बहुत अच्छी क्वालिटी की पजल है एंड योर किड्स आर रियली गोइंग टू लव। इफ दे लव पजल्स दे आर रियली गोइंग टू लव दिस 12 पीस पजल। बट लेट मी चेक, मैंने और पीसेस तो कहाँ रख दिए हैं। ये डियर 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 हो गए। ओके ये एक डियर हो गया एंड एक और पीस है। आई माइट हैव जस्ट ड्रॉप्ड इट समवेयर। यस इट इज एब्सोल्युटली ड्रॉप्ड। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस पजल। ये बियर का ये पार्ट कहीं हो गया होगा, इग्नोर इट। एंड यस, तो नेक्स्ट मैंने बैनर मेकिंग आपको दिखा दिया, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट आपको दिखा दिया एक्टिविटीज। नेक्स्ट आई शुड लाइक ब्रिंक दीज हाइड एंड सीक, एक एक्टिविटी है विच आई थिंक आई शुड ब्रिंक टू यू। एंड ऑल्सो देर इज 6, 7, 8, 9 पीसेस की जिक्सॉ भी है। दिस इज द जिक्सॉ फॉर देम। और इससे ज्यादा पीसेस की चाहिए तो 8, 10, 12 पीस की जिक्सॉस। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है दिस इज फॉर 8, 10, 12 पीसेस। तो ये बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, फॉर लाइक 12 ईयर्स के एज के किड्स के लिए बहुत अच्छी सी एक्टिविटीज हैं ये। और फिर आपको मिल जाता है मैचोमेनिया, एक मैचिंग गेम। इट इज दिस मैचिंग गेम। इस मैचिंग गेम में आपको आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है एक ट्रायो मैचिंग का बोर्ड, नहीं ट्रायो मैचिंग गेम है। दिस इज ट्रायो मैचिंग। आपको एक बोर्ड मिलेगा और आपको 16 स्ट्रिप्स मिलेंगे। इस बोर्ड गेम में आपको दो बोर्ड गेम्स मिलते हैं। एक साइड आपको बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स दिखते हैं, एक साइड आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखते हैं। तो ट्रायो मैचिंग में क्या करना होता है? ट्रायो मैचिंग में आपको आप देख सकते हो, सबसे पहले आप अपने बच्चों की फेमिलियरिटी कैसे इंप्रूव करोगे। तो आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इससे दिखेंगे, तो आप अपने 3 से 8 साल तक के बच्चों को सिखा सकते हो कि इस फ्रूट को क्या कहते हैं। ये फ्रूट को देख के वो पता लगा सकता है कि दिस इज एप्पल, इसको सेब कहते हैं। फिर उसके बाद इसको अंगूर यानी कि ग्रेप्स, टमाटर, टमेटो और ये सारे फ्रूट्स हैं। फिर देन कस्टर्ड एप्पल हो गया ये यानी कि सीताफल। फिर मैंगो, मैंगो इज अ फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल इज अ फ्रूट, इवन टमाटो इज अ फ्रूट एक्चुअली। तो फिर उसके बाद पटेटो, वेजिटेबल। तो आप ढूंढ सकते हैं इसमें से फ्रूट्स कौन से आइडेंटिफाई करो, वेजिटेबल्स कौन से हैं, इनको नेम करो। ये सब करने के बाद यू कैन ऑल्सो मूव ऑन टू द गेम। तो गेम कैसा है, इसमें अलग अलग आपको स्ट्रिप्स दी हैं ट्रायो के। स्ट्रिप्स दिए मतलब 3 आपको एक साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं,
उनको आपको इसी ऑर्डर में ढूंढना होता है. तो से फॉर एग्जाम्पल आपको यू कैन सी दिस पपाया मैंगो एंड पटेटो हियर, पपाया मैंगो एंड पटेटो, और इसी चीज़ को यहाँ पर देखना होता है. तो वेयर इज दिस पपाया मैंगो एंड पटेटो एंड येस, तो मेरे को मैंगो यहाँ दिख रहा है, पटेटो यहाँ दिख रहा है, पपाया दिख रहा है, बट दिस ऑर्डर इज नॉट सेम. मैं क्या यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि पपाया मैंगो और पटेटो आ रहा है. तो इस तरीके से मैं यहाँ तो नहीं लगा सकती इसे, फिर मुझे और कुछ ढूंढना पड़ेगा. और कहीं आपको दिख रहा है? तो यस आई कैन फाइंड इट हियर, पपाया मैंगो और पटेटो, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगी. तो बच्चों के लिए बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे तब उनको समझ में आ पाएगा, तो वो उनका फोकस और अटेंशन डेवलप करता है ये गेम. इसी तरीके से पेयर पपाया और लेमन, तो पेयर पपाया लेमन वो किस तरीके से ढूंढते हैं? मे बी शुरू में वो कैसे करेंगे कि पेयर और पपाया ढूंढ दिया, पेयर ढूंढ दिया, पपाया ढूंढ दिया, अलग अलग लेमन ढूंढ दिया, पर नहीं पेयर और लेमन मिल रहे नहीं. अगर उनको धीरे धीरे आएगा कि अगर मैं पपाया लेमन या पेयर पपाया को एक साथ देखती हूँ देखता हूँ तो चांसेस ज्यादा है वहां पे मिलेंगे. तो पेयर और पपाया और लेमन है राइट, तो मुझे कहाँ दिख रहा है? सी मुझे यहाँ पेयर पपाया और लेमन दिख रहा है. और ये ऐसे गेम्स हैं जो आपके बच्चे बिना आपकी मदद के, बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के खेल सकते हैं. उनको बस रख के ये पूरा बोर्ड दे दीजिए एंड ये स्ट्रिप्स दे दीजिए और उनसे बोलिए इसको अरेंज करने को, तो वो धीरे धीरे लगा देंगे, ये सारी ही अरेंज कर देंगे. और फिर बस आपको लास्ट में जब उन्होंने कंप्लीट कर दिया होता है आपको बस चेक करना होता है. तो ये एक बोर्ड गेम हो गया. ऑन द ईदर साइड यू विल फाइंड एंटायरली डिफरेंट बोर्ड गेम, ये सेकेंड बोर्ड गेम कह सकते हो इसे आप. इसे इसमें आपको मिलते हैं एनिमल्स और बर्ड्स. तो जिस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आइडिया दिया था उसी तरीके से आप एनिमल्स और बर्ड्स का आइडिया दे सकते हो. इसमें कई सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, इन एनिमल्स के नाम, इन बर्ड्स के नाम, जैसे पेट एनिमल्स कौन से हैं, वाइल्ड एनिमल कौन से हैं, कौन से बर्ड्स, कौन से जो भी ये जो थिंग्स हैं या फिर जो भी लिविंग बींग्स हैं ये उड़ सकते हैं, कौन से नहीं उड़ सकते, कौन से मैमल्स हैं, कौन से नहीं हैं, इस तरीके से बहुत सारा आइडिया. कौन से एक्वाटिक क्रीचर्स हैं, कौन से लैंड एनिमल्स हैं, कौन से एयर मतलब एनिमल्स हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे आप इस बोर्ड के थ्रू उनको फैमिलियर कर सकते हो बहुत सारे चीज़ों से. एंड यस इसी तरीके से आप ये अलग एंटायरली बोर्ड गेम, मुझे इनको नेम वैसे बता दो, ये मंकी है, ये कैट है, ये स्पैरो है, ये लायन है, ये फ्रॉग है, ये ईगल है, एलिफेंट है, अगेन कैट, इस तरीके से बहुत सारे डक आ गए, तो बहुत सारे फ्रॉग आ गया, क्रो आ गया, पिजन आ गया, लायन आ गया, डॉग आ गया, पैरट आ गया, बहुत सारे अलग अलग आपको एनिमल्स नहीं तो बर्ड्स दिखेंगे. और सेम तरीके से जैसे आपको एक साइड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आपको एनिमल्स और बर्ड्स के ट्रायो देख के मतलब आप बच्चों को बोल सकते हो इस बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग ट्रायो मैचिंग गेम. इस गेम की खासियत है कि ये आप एक बार खेलो, 10 बार खेलो, ऐसा नहीं होता कि उनको याद हो जाता है ये तो यहाँ था. नहीं, किड्स डोंट, ये ऐसा गेम ही नहीं है जिसमें याद करके कुछ फायदा भी हो. तो इस तरीके से वो बार बार उनको ये गेम खिलाओगे, जब भी दिखाओगे उनको नया ही लगता है, उनको नए तरीके से ये वो लोग सॉल्व करते हैं. एंड देन दिस गेम, इसके बाद एक मेरे पास ये गेम आ जाता है, बहुत ही अच्छा सा गेम हो जाता है फॉर किड्स. इसमें आपको एक साइड एनिमल बोर्ड मिल जाता है, एक साइड आपको कलर बोर्ड मिल जाता है, और आपको अलग एनिमल बोर्ड के लिए एनिमल डाइस मिल जाता है, आपको कलर बोर्ड के लिए कलर डाइस मिल जाता है. फिर आपको टोकन्स मिल जाते हैं जिसमें आपको एनिमल्स भी होते हैं, मंकी है, लायन है, चिकन है, एंड देन आपको कलर्स भी होते हैं, ऑरेंज, येलो, ब्लू. आपको कलर्स प्लेस करने अपनी अपनी जगह पे और आपके बच्चे को उसी करस्पॉन्डिंग बोर्ड गेम को उसी डाइस के साथ मतलब खेलना है. तो जैसे पर्पल मैंने मूव किया तो पर्पल मेरा अभी कॉइन यहीं कहीं, आई शुड बी अरेंजिंग इट, ठीक है, ग्रीन से मैंने मूव किया और मेरे को ब्लू कॉइन आया था, ब्लू मैंने आगे बढ़ा दिया, एंड देन ऑरेंज, देन ऑरेंज आगे बढ़ा दिया. इस तरीके से उनको बोल बोल के जब वो एक एक स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, कलर का नाम बोल के या एनिमल का नाम बोल के, तो उनकी फेमिलियरिटी, उनकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स का पार्ट होता है. ये सारी एक्टिविटीज जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई हैं. दीज ऑल दीज एक्टिविटीज, स्मार्टो किड्स की सारी एक्टिविटीज जितनी हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की हैं, तो वो बहुत ही एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज है. मतलब आपके बच्चों को कुछ ज्यादा टफ या ज्यादा ईजी नहीं लगेगा, इनफैक्ट वो उनको एंटरटेन रखेगा
फॉर द एंटायर टाइम दे आर एंगेजिंग इन दैट एक्टिविटीज। इसी तरीके से आपको क्यूब पजल्स भी मिल जाते हैं। क्यूब पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग पजल है, ये आपको छोटे बच्चों के लिए 4 क्यूब पजल, बिगिनर अगर है, नहीं तो अगर इंटरमीडिएट है तो व्हीकल्स पसंद है किसी बच्चों को तो व्हीकल क्यूब पजल भी है, 6 क्यूब की पजल्स है वो, और ये है सबसे बड़ी 9 क्यूब की पजल। फाइन, तो इसमें जैसे अलग अलग एनिमल्स वो इसके थ्रू बना सकते हैं। और ये कितने इंटरेस्टिंग है ये पजल शो यू, इस तरीके से आपको फोल्डेबल क्यूब पीस जाते हैं, इसको आराम से आप फोल्ड करके इस तरीके के क्यूब में बना सकते हो। तो इट इज़ रियली इजी एंड फोल्डेबल, तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करते हैं आपकी। इस तरीके से, और जैसे मैं इसको कंप्लीट करूँ, मैं जिराफ बनाना चाहूँ तो आई जस्ट ट्राई मेकिंग अ जिराफ नाउ। मैंने एक जिराफ कंप्लीट कर लिया, तो ये क्यूब पजल के थ्रू आप एक क्यूब पजल के थ्रू 6 अलग अलग एनिमल्स बना सकते हो। तो अभी जैसे मैं मंकी दूसरा एनिमल बनाऊँ तो मैं टोड बनाना चाहूँगी या बनी बनाना चाहूँगी, रैबिट। यस, तो मैं फेस अप करके रख दूंगी रैबिट का। ये एक एनिमल क्यूब पजल में दूसरा एनिमल हो गया। तो दीज आर ऑल द गेम्स दैट आई हैड फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द गेम। ये सारे एक्टिविटीज आपको smartofkids.com की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएंगे, जस्ट हैव टू लॉग ऑन टू www.smartofkids.com। अगर आप रजिस्टर करते हो, साइन अप करते हो, तो आपको पहले ऑर्डर पर ऑलमोस्ट लाइक 40 or 50 का डिस्काउंट कूपन कोड थ्रू सम रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। एंड यस, आपको इस वेबसाइट पर सारे बहुत सारे 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, पजल गेम्स, वुडन गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही हद तक वो सारी एक्टिविटीज़ रिपीटेबल होंगी। तो यानी कि वो ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होंगी, यानी कि आप काफ़ी टाइम तक उन एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को एंगेज रख सकते हो। तो दिस वॉज अबाउट टुडे, आई गेट बैक टू यू विद अदर एक्टिविटीज़। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।